जय छठी मैया, सुख और समृद्धि को देने वाले ये छठ महाव्रत जो है सो इस साल संपन्न हुआ और माँ का कृपा जो है सो हम सब पर बना रहे, हम सदा निरोग रहे, हमारे ऊपर माता का कृपा रहे, इसी कामना से इस साल का ये अंतिम छठ का व्रत जो है सो हिंदू परंपरा के अनुसार संपन्न हो चुका है। और अब हमें इस बात का थोड़ा दुख भी है कि इस साल हमें जो है सो अन्य और कोई दूसरा त्यौहार जो है नहीं देखने को मिलेगा। अगले साल फिर से हम लोग वसंत पंचमी से जो है सो त्यौहार का आनंद लेंगे। भारत जो है त्यौहारों का देश है, यहाँ पे कई त्यौहार अनेक ऋतु में जो है मनाए जाते हैं, बहुत सारे विधि विधान से रीति रिवाज से जो है मनाया जाता है, लेकिन बिहार झारखंड का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व जो है इससे बड़ा लोक आस्था का कोई पर्व नहीं है। जल में खड़ा रह करके 3 दिन का ये महाव्रत को जो है माताएं बहनें और भाई बंधु सब करते हैं। यह आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है सो पूजा के अंतिम में व्रती माता जो होती है वो कई लोगों का श्रृंगार करती हैं और उन्हें प्रसादी भेंट करती हैं। यह रानीगंज का छठ तालाब है जो बड़दही में स्थित है, वहाँ पे जो है सो पूजा हुआ था और बहुत भीड़ भाड़, लेकिन आनंद और हर्ष का माहौल हर तरफ जो है सो बना हुआ था। और इस तरह से जो है सो हम लोगों ने छठ पूजा को संपन्न किया। और आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो आप बताएंगे कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपने जो है सो छठ कहाँ किया था और किस तरह से छठ जो है सो संपन्न हुआ। तो बोलिए फिर से एक बार जय छठी मैया। Thank you.